ये जनाब शहद उतार रहे हैं, खालिस छोटा शहद है। ये बुज़ुर्ग से इसके शिकारी हैं। आपको नज़र आ रहा है ये खा गई है सही। थोड़ा सा करीब जाते हैं, इसके काटने का ख़तरा भी रहता है, लेकिन हम थोड़ा सा करीब हो जाते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए ये क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वरना इसमें काफ़ी सारा शहद होना था। ये इसका छत्ता यहीं रहने देंगे, हाथों से हटा रहे हैं मक्खियाँ। सूरत नज़ारा, हम थोड़ी सी लाइट देते हैं इस पर, अब आप क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये मक्खियाँ हटाते जा रहे हैं, धुआं भी साथ साथ हो रहा है ऊपर से, आप देख रहे हैं हल्का हल्का। बड़ी मुश्किल जगह पे इन्होंने छत्ता बनाया है शहद ने। ये छुरी से अब काटेंगे, और काट के ये छोटी मुंगरी दी थी भी नाल, बड़ी बड़ा मुंगरा दे। बड़ी मुश्किल जगह पे है, उतार रहे हैं। छुरी से काट रहे हैं, दीवार पे बनाई थी उन्होंने। मक्खियाँ देखें यहाँ बैठ रही हैं छड़ियों पे, और उससे फिर नीचे गिर रही हैं, फिर ऊपर उठ रही हैं, और वो अपना काम जारी रखे हुए हैं उन्होंने। छत्ते में से शहद उतार रहे हैं, कुछ मक्खियाँ मेरे पास आ गई हैं। मुझे डर सा लग रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि ये शहद कैसे उतार रहे हैं। थोड़ी सी लाइट करते हैं इस पर, देखें खालिस शहद उतर रहा है। बुज़ुर्ग काफ़ी मेहनत से उतार रहे हैं छत्ते में से। लेट हो गए हैं, ये 15 दिन पहले उतारनी चाहिए थी, तब इसमें शहद ज़्यादा निकलता। खैर जो हमारे नसीब में है। यहाँ देखें ये छड़ियों पे मक्खियाँ बैठ गई हैं, लंबी लंबी नज़र आ रही हैं आपको, और वो उतारते जा रहे हैं। छत्ता रहने देंगे ताकि इनके बच्चे बढ़ सकें, छत्ता ज़ाया नहीं करेंगे। शहद हम सारा उसमें से उतार लेंगे। ये देखें वो छुरी से उन्होंने सारा शहद उतार लिया। ये छड़ियों पे देखें आपको मक्खियां नज़र आ रही होंगी यहाँ। लह गई है। हाँ ये ऐसा लेट थी गए। लेट थी गए सर, 15 दिन पहले जैसे ने तो अरे डोंगा पूरा मार के। चलो बस यो ही सारे नसीब है बोंगा। और पर मैं सारा हाथ मार के। जी फ्रेंड्स, ये है वो शहद जो अभी हमने उतारा है, खालिस शहद। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, और ये तकरीबन हाथ पाओ जितना हमारा शहद उतर आया है।
नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम जल्दी उतरवाएंगे, ज़्यादा शायद निकलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।